हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, स्पेशली फॉर टीसनेट। तो आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर का। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो लॉजिकल रीजनिंग बनने वाला नहीं है किसी से भी। तो क्वेश्चन जिन्होंने समझ लिया उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या है एक क्वेश्चन। और इतने बेसिक से क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम में आजकल आते नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन की तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए नेशनल क्लब, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए नेशनल क्लब पार्टिसिपेट आइदर इन द बैडमिंटन और द चेस कंपटीशन। तो मेंबर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे या तो बैडमिंटन में और चेस कंपटीशन में क्लब मेंबर। तो 2100 मेंबर पार्टिसिपेट इन चेस। तो हमको क्या यहाँ से डाटा मिला, 2100 पार्टिसिपेट इन चेस एंड 1750 पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन। तो 1750 मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस गेम में, बैडमिंटन में। तो बी फॉर बैडमिंटन, सी फॉर चेस, समझ लो। तो पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन एंड 1100 पार्टिसिपेट इन बोथ द गेम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसलिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो पहली बात। तो ये 1100 पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स। तो हाउ मेनी नंबर डज द नेशनल क्लब मेंबर हैव। तो हाउ मेनी मेंबर्स डज द नेशनल क्लब हैव। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सबसे पहली बात तो मुझे पता चल गया कि चेस में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2100, बैडमिंटन में 1750, लेकिन एक पॉइंट दे दिया है 1100 पार्टिसिपेट इन बोथ। तो इसी के मेंबर ही 1100 होंगे ना, जो टोटल के ही तो 1100 मेंबर्स है। तो सबसे पहले इनको जोड़ने का जरूरी है, इनको प्लस करते ही हमको मिल जाएगा 8,850। इसको प्लस करके हमको मिल गया, लेकिन 1100 जो पॉइंट दिया गया वो इन्हीं लोग हैं जो दोबारा गेम खेल रहे, दोनों में पार्टिसिपेट कर ले रहे। तो क्या करें हम, उनको तो हटाना पड़ेगा। अब मैं ही, अब आप समझ लो, आप एक टीम में हो, आप दो टीम में खेलने लगे तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आपका टीम मेंबर जानेंगे। तो सब इजली है, 1100 को माइनस कर दो, जो बोथ गेम्स में अप्लाई कर रहे थे उनको हटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ खुद ही मिल जाएगा दोस्तों। ये आपका आएगा, इनको माइनस करते ही आपको आ जाएगा 2750 आपका आंसर आ गया, क्योंकि दोनों को प्लस करते हैं। और जो जो मेंबर जो भी जो मेंबर थे वो भी दो में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको हटा दो, आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबर आ जाएगा। तो 2750 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका था सेकंड, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक ही है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो सारा इजिली सॉल्व कर दोगे। तो 399 का प्रोग्राम के बारे में जान लो दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन जो कमेंट करते हैं 399 प्रोग्राम के। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है अकॉर्डिंग टू टीसनेट सिलेबस। इसमें जीके भी है, स्टैटिक भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। तो सभी कुछ आपको मिलेंगे, सोशल इश्यूज के भी टॉपिक्स मिलेंगे। तो इनको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको sideeffect@tis@gmail.com में आपको मेल करना होगा कि मुझे ये इंटरेस्टेड हूँ, बस। तो आपको सब डिटेल बता दिया जाएगा। तो साइड इफेक्ट SIDEEFFECTTISS@gmail.com, तो यही हमारा मेल आईडी है। इस पे आप
मेल करो अगर आप एनरोल कराना चाहते हो तो, क्योंकि अब वक्त नहीं है ज़्यादा, आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए अभी तक, तो आप कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो आप इजीली सॉल्व करोगे। तो ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन को बात करेंगे, ये 55 नंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर में है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो वो भी देखिए आप। तो ये हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग, तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग, तो इसको मत बोलना आप स्क्वायर्स है सर, ये है, ये रेक्टेंगल में मान के चल लो ये रेक्टेंगल है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली आपको काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हॉरिजेंटली हमको 6 ठो रेक्टेंगल का शो कर रहा है। तो हमको सबसे पहले इधर वाले को क्या करते हैं, हॉरिजेंटली को समझ लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ऐसे करके लिख लिया जाता है। इधर कितना है वर्टिकली, 1 2 3 4 5, तो वर्टिकली है आपका 1 2 3 4 5, तो इन सबको मैं प्लस में बीच में साइन किया हूँ, साइन दिया हूँ, तो इसको आपको प्लस ही करना पड़ेगा। ऐसे प्लस कर लिया जाता है इधर का, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो, और इधर था 1 2 3 4 5, ऐसे लिख के प्लस कर लो। प्लस करते ही आपको ये आपको मिलेगा, तो ये प्लस करते ही आपको आ जाएगा, ये शायद 21 आएगा और इसका 15 आएगा। फिर भी एक बार काउंट कर लेते, 3 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 में 6 प्लस करते हैं, ये 6 है लेकिन 6 प्लस करते ही आपको 21 आ जाएगा। तो 21 प्लस किए ऊपर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली 15 प्लस किए हैं, और इनको क्या करना रहता है, कुछ नहीं, 21 इंटू 15 को इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका 3 1 15। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका ट्रू है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर में 315 55 क्वेश्चन नंबर का, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन 19 में मिला तो आप ये रूल लगा देना, आपका सॉल्व हो जाएगा विद इन अ सेकेंड में होगा, 30 सेकेंड इजिली लगेगा इसको सॉल्व करते ही, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इसी तरह मैं वीडियो लाते रहूँगा, थैंक यू।